आज घोंडा विधानसभा से विधायक बीजेपी के अजय महावर भजनपुरा मार्केट का निरीक्षण करने पहुंचे और यहां की समस्याओं का निवारण करने के लिए लोगों को भरोसा दिया। यहां के दुकानदार भाइयों से उन्होंने बात की और साथ ही साथ भजनपुरा मार्केट में जो भी काम चल रहा है, नाली का, बिजली या पानी का, सड़क का, उन सभी को जल्दी ठीक करने का भरोसा दिया। भजनपुरा मार्केट में जब वह निरीक्षण कर रहे थे, उसी समय वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के जो भी इस काम में लगे हुए हैं, वह सभी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने उनको साफ साफ कहा कि यह काम जल्दी करिए, कोई भी तोड़फोड़ या कोई भी ऐसी चीजें आगे नहीं होनी चाहिए और यह पूर्णतः सही तरीके से काम होना चाहिए। इसकी उन्होंने गाइडलाइन भी दी कि डेडलाइन आपको 15 तारीख तक है, 15 अगस्त तक यह सभी काम आपको पूरे करने हैं, जिसका उन्होंने भरोसा दिया लोगों को। भजनपुरा मार्केट की यह सड़क और इसमें बहुत सारी हर्डल्स हैं। यह लंबित पड़ी सड़क लंबे समय से जो बहुत जर्जर हालत में है, यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने लगातार मुझसे ये बात की कि भाई इसको करना चाहिए, तो इसको रुके हुए लंबित काम को आज हम गति देने के लिए अधिकारियों के साथ यहाँ दौरा कर रहा हूँ, ताकि इस काम को जल्द से जल्द हम प्रारंभ करके और स्थानीय लोगों को एक अच्छी सुंदर सड़क दे सकें। आसपास मैंने जो जल बोर्ड के हमारे अधिकारी हैं या बिजली डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सैनिटाइजेशन के अधिकारी हैं, उन सबको भी मैंने यहाँ बुलाया है, ताकि जो भी समस्या हो कोरिलेटेड वो बाद में समस्या पैदा ना करे, साथ ही साथ ही हर समस्या का निराकरण हो जाए। अभी कुछ दिन पहले आई पैन का उद्घाटन हुआ था जी, वो भी काम इसी बीच में पूरा कर लिया जाएगा? वो काम लगभग पूरा हो गया है, मैंने तब भी कहा था कि उसको एक महीने का समय देंगे, 15-20 दिन के अंदर पूरा करेंगे, और वो काम पूरा हो गया है। फाइनल फिनिशिंग टच बाकी है जो 2-4 दिन में हो जाएगा, और उसके पूरा होते ही हम इस कार्य का प्रारंभ कर देंगे। वह काम निश्चित समय में हुआ, इसके लिए मैं अधिकारियों का, विशेष रूप से जल बोर्ड के अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये रोड कब तक पूरा हो जाएगा? अभी तो काम शुरू होने दीजिए, बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि हम इसको, कोशिश तो मेरी ये है कि 15 अगस्त तक दे दूँ, लेकिन 15 अगस्त तक ना भी दे पाया तो अगस्त में यह सड़क हम भजनपुरा के मेन मार्केट वालों को दे देंगे। अभी वाटर लॉगिंग को लेकर के एक दिन पहले ही बारिश आई हुई थी, उसमें समस्या हुई थी, घोंडा विधानसभा में वाटर लॉगिंग को लेकर कितनी तैयारियाँ? देखिए, पंप हाउस जो पुराने हैं कई जर्जर हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं, मैं डिनाई नहीं करता। बी ब्लॉक में जल भराव हो रहा है, C5 में जल भराव हो रहा है, और भी कई स्थानों पर जल भराव हो रहा है, तो समस्या है और इस समस्या को मैं एक्नोलेज कर रहा हूँ। पंप अधिकारियों से, सबसे, चाहे वो PWD का पंप हो चाहे MCD का, फ्लड का, मैंने तीनों से ही बात की है, और भजनपुरा थाने के बराबर में एक बड़े पंप हाउस का निर्माण हम कर रहे हैं। मैंने MCD और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ उसका दौरा भी किया है, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, वह अकेला ही काफ़ी बड़े एरिया को ठीक करने के लिए काफ़ी है। एक महीने के अंदर यानी 31 अगस्त से पहले उस पंप हाउस का भी हम लोकार्पण कर देंगे, क्योंकि निश्चित समय में काम करना मेरी आदत है और लोगों को समय के साथ काम देना मेरी आदत। इधर ये पाइपलाइन आप देख रहे होंगे, वहाँ से आता है और ये इस नाले पर मिलता है। ये पाइपलाइन पिछले 2 महीने में 4 बार फट चुका है, पाइपों की हालत जर्जर हो चुकी है, कभी एक जगह से फोन आता है फट गया, कभी दूसरी जगह से जल भराव होता रहता है, तो पूरी की पूरी पाइपलाइन भी मैं चेंज करा रहा हूँ। काम पूरी गति से होगा और मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस 5 साल के अंदर घोंडा विधानसभा को 0 टॉलरेंस बिजली, 0 टॉलरेंस जल भराव, 0 टॉलरेंस पानी सप्लाई, सब 0 टॉलरेंस में लाकर खड़ा कर दूंगा, किसी कीमत पे यहाँ की कोई समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजय।